इस कहानी की शुरुआत 1989 से होती है, जहां हमें हैंक पिम नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जिन्होंने पिम पार्टिकल को इन्वेंट करके एंटमैन सूट बनाया था, जिससे वो एंटमैन बनकर अपने देश को खतरों से बचाया करते थे। उस पिम पार्टिकल की वजह से ही एंटमैन का सूट चींटी जितना छोटा हो जाता है, मगर पिम पार्टिकल बहुत खतरनाक थे, इसीलिए वो नहीं चाहते कि पिम पार्टिकल गलत हाथों में लगे। मगर हॉवर्ड स्टार्क और हाइड्रा ऑपरेटिव मिशेल उस पिम पार्टिकल की कॉपी करके उसके जैसा सीरम बनाना चाहते थे, लेकिन हैंक को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए उन दोनों पर गुस्सा करते हैं। मिशेल पिम का मजाक उड़ाता है कि तुम अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए, तो हैंक गुस्से में उनकी नाक तोड़ देते हैं। हॉवर्ड स्टार्क हैंक से कहते हैं कि हम पिम टेक्नोलॉजी का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसे बनाने में हमारी मदद करो। तो हैंक उसे कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये फॉर्मूला किसी के हाथ नहीं लगेगा, और वो शील्ड से अपना इस्तीफा दे देते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम स्कॉट लैंग नाम के आदमी को देखते हैं जो जेल में सजा काट रहा होता है। मगर स्कॉट बुरा आदमी नहीं होता, क्योंकि उसने विस्टा कॉर्प नाम की कंपनी में चोरी इसलिए की थी क्योंकि वो ग्राहकों का पैसा चुका रहे थे। मगर स्कॉट ने कंपनी हैक करके लोगों का पैसा वापस उन्हें लौटा दिया, और वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। आज 3 साल बाद वो जेल से रिहा होता है, जहाँ उसका दोस्त लुइस उसे लेने आता है, जो भी एक चोर होता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। लुइस स्कॉट को कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है जिससे हम मालामाल हो सकते हैं। तो स्कॉट उसे कहता है कि मैं वापस जेल नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे मेरी बेटी केसी का ख्याल रखना है। और वो बास्किन रॉबिन्सन नाम की आइसक्रीम कंपनी में काम करने लग जाता है, जहाँ उसने अपना नाम बदल कर जेक रखा होता है, ताकि जेल जाने की वजह से उसे जॉब से ना निकाला जाए। मगर मैनेजर डेल को पता चल जाता है कि स्कॉट 3 साल जेल की सजा काट कर आया है, और उसने विस्टा कॉर्प में चोरी की थी। स्कॉट उन्हें समझाता है कि वो काम मैंने लोगों की भलाई के लिए किया था, मगर स्कॉट को जॉब से निकाल दिया जाता है। स्कॉट इससे परेशान हो जाता है, और वो वापस अपने दोस्त लुइस के घर आ जाता है, जहाँ लुइस को बताता है कि मेरी जॉब चली गई। तो लुइस उसे अपने दो साथी कर्ट और डेव से मिलवाता है। कर्ट एक हैकर होता है और डेव एक मामूली सा चोर होता है, और वो तीनों स्कॉट को भी अपने चोरी के प्लान में शामिल होने का ऑफर करते हैं, क्योंकि स्कॉट ताला तोड़ने में माहिर होता है। मगर स्कॉट ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वही हमें हैंक पिम को दिखाया जाता है, जो सालों बाद अपनी कंपनी पिम टेक में जाते हैं, जिनकी उन्होंने स्थापना की थी, मगर उन्हें खुद ही अपनी कंपनी से निकाल दिया गया, और उनका असिस्टेंट डॉक्टर डेरेन सीईओ बन गए थे। और आज उसने हैंक को अपनी कंपनी में बुलाया होता है, जहाँ शेरन भी आया हुआ था। हैंक की मुलाकात वहाँ अपनी बेटी होप से भी होती है, जो बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद से अपने डेड से अलग हो गई, और वो पिम कंपनी की चेयरमैन होती है। सालों से डेरेन एंटमैन जैसा सूट बनाने पर काम कर रहा होता है, और आज उसने इस काम में कामयाबी हासिल कर ली थी, इसीलिए अपने सभी क्लाइंट को बताता है कि मैंने एंटमैन की तरह सूट बना लिया है, जिससे हम दुनिया में शांति बहाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे पहनने के बाद इंसान का आकार बिल्कुल एक चींटी की तरह हो जाएगा, लेकिन उसकी पावर उतनी रहेगी, इसीलिए वो बिना दिखे दुश्मनों को खत्म कर सकता है। और उसने इस सूट को येलो जैकेट नाम दिया था। फ्रैंक, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, वो डेरेन को कहता है कि अगर ये सूट गलत हाथों में चला गया तो ये खतरनाक हो सकता है, मगर डेरेन उसकी बात नहीं सुनता। हैंक भी काफी परेशान हो जाते हैं, और वो डेरेन को बताते हैं कि मैंने एंटमैन सूट को दुनिया से इसीलिए छिपाए रखा, ताकि दुश्मनों के हाथ ना लगे। डेरेन उन्हें कहता है कि हम इस सूट को साथ मिलकर बना सकते थे, मगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, और वो ये सूट मिशेल को बेच देता है, जो हाल ही में सरकार गिराने का काम कर रहे थे, इसीलिए वो डेरेन से सूट की डील कर लेते हैं। होप अपने डेड से कहती है कि हमें इस येलो जैकेट सूट को खत्म करना होगा, क्योंकि डेरेन अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि अभी से वो बेजान चींटियों को छोटा कर सकता है। इसीलिए आप एंटमैन सूट मुझे दे दीजिए, जिससे हम अपना मिशन पूरा करके इस येलो जैकेट को खत्म कर देंगे। मगर हैंक उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, और मुझे एक बंदा मिला है जो इस काम को कर लेगा। वहीं स्कॉट अपनी बेटी केसी की बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ केसी उसे देख कर बहुत खुश होती है, वो उनसे बहुत प्यार करती है। मगर स्कॉट का उसकी वाइफ मैगी के साथ तलाक हो गया था, और मैगी ने जिम नाम के ऑफिसर के साथ इंगेजमेंट कर ली थी, इसीलिए मैगी उसे यहाँ से जाने को कहती है। तो स्कॉट उसे कहता है कि मैं केसी के लिए पैसे देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। तो मैगी उसे कहती है कि तुम एक अच्छा घर ले लो, नौकरी ढूंढो, उसके
बाद में तुम्हें केसी से मिलने दूंगी। वैसे भी केसी तुम्हें हीरो समझती है, इसीलिए तुम्हें उसके लिए अच्छा इंसान बनना होगा। स्कॉट वहाँ से चला जाता है और अब उसे केसी से मिलने के लिए अच्छी सी जॉब हासिल करनी थी। वही हमें पिमटेक में दिखाया जाता है कि डेरेन फिंक को जान से मार देता है क्योंकि वो येलो जैकेट के खिलाफ था। वही स्कॉट को कोई जॉब नहीं दे रहा होता, इसीलिए वो काफी परेशान होता है। जब तक उसके पास पैसे नहीं होंगे वो केसी से नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो लुइस के पास जाकर उससे चोरी के प्लान के बारे में पूछता है। तो लुइस उसे बताता है कि मुझे मेरे कजन से पता चला कि एक रिटायर बुड्ढे के पास बहुत बड़ी तिजोरी है जिसमें उसने बहुत पैसा छिपा रखा है और वो आदमी 7 दिन के लिए बाहर जा रहा है, इसीलिए हम उस तिजोरी को लूट लेंगे। स्कॉट भी मान जाता है और वो सभी प्लान बनाकर सभी चीजों को इकट्ठा करके उस बुड्ढे आदमी के घर में घुस जाते हैं। स्कॉट तिजोरी खोलने के लिए नीचे तहखाने में चला जाता है मगर वहाँ फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था, लेकिन स्कॉट चालाकी से उस डोर को खोल लेता है मगर वहाँ अंदर एक और हाई सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ होता है जो उसी स्टील का बना होता है जिससे टाइटेनिक बनी थी। मगर स्कॉट बड़ी आसानी से उसमें ड्रिल करके पानी और नाइट्रोजन डाल देता है जिससे वो गेट टूट जाता है। मगर स्कॉट ये देखकर हैरान होता है कि उस तिजोरी के अंदर कोई पैसे नहीं होते, बस वहाँ एक सूट पड़ा होता है जो एंटमैन यानी कि हैंक पिम का सूट होता है। मगर स्कॉट को लगता है कि वो एक मामूली मोटरसाइकिल सूट है, इसीलिए उसे अपने बैग में रख लेता है। हमें यहाँ पता चलता है कि हैंक पिम भी ये सब अपनी एक चींटी की मदद से देख रहे होते हैं, यानी कि ये सब हैंक का ही प्लान था और वो स्कॉट को ही अगला एंटमैन बनाना चाहते हैं। वही हमें डेरेन को दिखाया जाता है जो अपने द्वारा बनाई गई पिम सीरम का जानवरों पर टेस्ट कर रहा होता है ताकि उन्हें छोटा कर पाए, मगर वो इसमें नाकामयाब होता है और 34 बार उसके एक्सपेरिमेंट फेल होने के साथ साथ सारे जानवर मारे जाते हैं। लेकिन डेरेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आगे भी एक्सपेरिमेंट जारी रखने को कहता है। वही स्कॉट जब बाथरूम में होता है तो हैंक का एंटमैन वाला सूट पहन लेता है और वो जैसे ही हाथ पर लगे बटन को प्रेस करता है तो बहुत छोटा होकर नीचे गिर जाता है। उसे हैंक की आवाज भी सुनाई देने लगती है जो उसे कहते हैं कि तुम्हारी परीक्षा का वक्त शुरू हो गया। तभी वहाँ लुइस आकर बाथ टब में पानी ऑन कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और एक बिल्डिंग से टकराते हुए वो दूसरी बिल्डिंग में गिरने लगता है और ऐसे ही गिरते गिरते वो नीचे एक कार पर गिर जाता है और अब वो वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। हैंक उसे कहते हैं कि सूट अपने पास रखना, मैं जल्दी तुमसे कॉन्टेक्ट करूंगा। मगर स्कॉट काफी डर जाता है, वो सूट अपने पास नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो जल्दी से रात को हैंक के घर पर वापस वो सूट रख कर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चोरी करने गया था। मगर हैंक स्कॉट को बचाने के लिए लॉयर बनकर उससे मिलने आते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं चाहता था कि तुम्हें दूसरा मौका मिले ताकि तुम अपनी बेटी के हीरो बनो, इसीलिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम जेल में सजा काटो या फिर वापस से जेल से जाकर मेरा सूट पहनो। और मैंने वो सूट तुम्हें जानबूझकर चुराने दिया था क्योंकि मेरा काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए मैंने लुइस के कजन तक नकली खबर फैलाई थी कि मेरी तिजोरी में बहुत सारे पैसे हैं। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। स्कॉट जब वापस से जेल में जाता है तो चीटियों द्वारा लाया गया एंटमैन सूट पहनकर भाग जाता है। पुलिस हैरान होती है कि स्कॉट अचानक से कहाँ गायब हो गया, इसीलिए उसे हर जगह ढूंढने लगती है। मगर हैंक स्कॉट से कॉन्टेक्ट करते हैं और उसे अपनी चीटी दोस्तों से मिलवाते हैं। स्कॉट काफी डर जाता है लेकिन हैंक उसे शांत करते हैं और अपनी उड़ने वाली चीटी की मदद से वहाँ से दूर ले जाते हैं। मगर स्कॉट को चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। स्कॉट की जब आँख खुलती है तो हैंक के घर पर होता है। होप उसे नीचे आने को कहती है। स्कॉट बुलेट चीटियों से बचता हुआ बाहर आ जाता है। स्कॉट ये देखकर बहुत हैरान होता है कि हैंक अपना सारा काम चीटियों से करवाते हैं, इसीलिए उनसे पूछता है कि आप ये कैसे करते हैं। तो हैंक उसे बताते हैं कि चीटियां अपने वजन का 50 गुना भार उठा सकती है। वो घर बनाती है, खेती करती है, एक दूसरे का साथ देती है और मैं इनसे अपना काम करवाने के लिए एक खास तरह का गैजेट इस्तेमाल करता हूँ जिससे चीटियां मेरी हर बात मानती है और मेरा कोई भी काम करती है। मगर स्कॉट को कुछ समझ नहीं आता कि हैंक ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तो हैंक उसे अपनी खुफिया लैब में ले जाते हुए बताते हैं कि 40 साल पहले मैंने एक खुफिया फॉर्मूला बनाया था जिससे मैंने एटम की दूरी को बदलना सीख लिया, जिसकी मदद से मैंने एंटमैन सूट बनाया। लेकिन यह बहुत खतरनाक था, इसीलिए मैंने इसे दुनिया से छिपाए रखा और अपनी खुद की कंपनी पिमटेक शुरू की। उस वक्त मैंने डेरेन को अपना
असिस्टेंट बनाया क्योंकि वो बहुत काबिल था। मैं उसे अपने बेटे की तरह मानने लगा, लेकिन उसे शक होने लगा कि मैं उसे कुछ छिपा रहा हूँ। उसने उस चीज के बारे में अफवाहें सुनी जिसे पिम पार्टिकल कहते हैं, जिसकी मदद से एंटमैन सूट काम करता है। इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वो कुछ भी करके मेरे फॉर्मूले की नकल करके रहेगा। पर मैंने उसकी मदद नहीं की तो उसने मेरे खिलाफ साजिश की और उसने मुझे मेरी कंपनी से हटा दिया। फिर उसे ये भी बताते हैं कि डेरेन जल्दबाजी में येलो जैकेट सूट बना रहा है और अगर वो गलत हाथों में लग गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें कंपनी में घुसकर सारे डेटा को उड़ाना होगा और हम सैंपल के तौर पर बनाया गया येलो जैकेट सूट भी हासिल करके नष्ट कर देंगे। स्कॉट उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आपको एक काम एवेंजर से करवाना चाहिए। तो एंग उसे बताते हैं कि मैंने अपनी आधी जिंदगी इस टेक्नोलॉजी को हावर्ड स्टार के हाथ लगने से बचाई है और अब मैं खुद इस टेक्नोलॉजी को टोनी के हाथ नहीं लगने दे सकता। तो स्कॉट उन्हें कहता है कि आप चींटियों को भी भेज सकते हैं। लेंग उसे बताते हैं कि चींटियां बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उन्हें एक लीडर की जरूरत है जो उन्हें सही रास्ता दिखाए। स्कॉट भी मान जाता है। वही हमें डेरेन को दिखाया जाता है जो अपने बनाए हुए पिम पार्टिकल फॉर्मूले की मदद से जिंदा चींटियों को भी छोटा करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। वही हैंक और होप स्कॉट की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें उसे साइज बदलना सिखाते हैं। स्कॉट भी सूट के बारे में सब कुछ जानने लग जाता है और उसमें लगे रेगुलेटर को छेड़ने लगता है, मगर हैंक उसे ऐसा करने से मना करते हैं और बताते हैं कि अगर तुमने इसे जरा भी छेड़ा तो तुम सब एटॉमिक होकर क्वांटम फील्ड में चले जाओगे। लेकिन स्कॉट को समझ नहीं आता तो हैंक उसे अच्छे से समझाते हैं कि सब एटॉमिक यानी कि तुम अणुओं से भी छोटे हो जाओगे और ऐसे क्वांटम दायरे में चले जाओगे जहां तुम्हारे हमेशा के लिए छोटा बन जाने के बाद समय और अंतराल मायने नहीं रखते और जो भी तुम जानते हो और चाहते हो उन सभी को खो दोगे। स्कॉट भी उनकी बात समझ जाता है। अब होप भी स्कॉट को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगती है। फिर वो स्कॉट को चींटियों के बारे में बताते हैं जो उसके इस मिशन में साथ देगी। सबसे पहले स्कॉट को क्रेजी चींटियों के पास भेजते हैं। स्कॉट को चींटियां बहुत प्यारी लगती है लेकिन वो झुंड में स्कॉट पर हमला कर देती है। फिर वो स्कॉट को बुलेट एंड से मिलवाते हैं जिनके डंक में जहर होता था जिसकी मदद से वो दुश्मनों को ढेर कर सकते हैं। हैंक फिर उसे उड़ने वाली चींटियां यानी कि कारपेंटो चींटियों को कंट्रोल करना सिखाते हैं क्योंकि उनकी मदद से उड़कर कहीं भी ट्रेवल किया जा सकता था। फिर वो उसे एंड में फायर एंड से मिलवाते हैं जो कंडक्शन करने में माहिर होती है और वो किसी भी जगह पुल बना सकती थी। अब हैंक स्कॉट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस की मदद से चींटियों को कंट्रोल करने को कहते हैं, मगर स्कॉट ऐसा नहीं कर पाता। तो होप अपने डेट से कहती है कि हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं एंटमैन सूट पहनकर ये काम आसानी से कर सकती हूँ और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से चींटियों को कंट्रोल करके दिखाती है, मगर हैंक उसे ऐसा करने से मना करते हैं जिससे उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में बाहर चली जाती है। स्कॉट होप के पास जाता है और उसे बताता है कि हैंक को तुम्हारी फिक्र है इसीलिए वो नहीं चाहते कि तुम एंटमैन बनो। होप उसे कहती है कि तुम्हें सब मजाक लगता है लेकिन इन सब में बहुत खतरा है, तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र करनी चाहिए। स्कॉट उसे कहता है कि मैं सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। होप बताती है कि जब मेरी माँ गुजरी थी तो मेरे डैड मुझसे 2 हफ्तों तक अलग रहे थे। स्कॉट उसे बताता है कि वो सदमे में थे। तो होप कहती है कि मुझे भी बहुत दुख था और मैं उस वक्त 7 साल की थी, लेकिन फिर भी वो मेरे पास लौट कर नहीं आए और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। लेकिन मुझे अभी फिर भी लगा कि डैड बदल गए हैं और हमारा रिश्ता फिर से सुधर सकता है, लेकिन वो अभी मुझसे दूर भाग रहे हैं और उन्होंने मुझे कभी भी माँ की मौत की असली वजह नहीं बताई। तो स्कॉट उसे समझाता है कि हैंक तुमसे प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि तुम पर कोई खतरा आए, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं है। मैं चोर के सिवा कुछ नहीं हूं, बस मैं अपनी बेटी को अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां हूं। तो भी उसकी बात समझ जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें चींटियों कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग से सारे ख्याल निकालने होंगे, अपना पूरा ध्यान एक ही जगह केंद्रित करना होगा। अपनी बेटी केसी के बारे में सोचो कि तुम उससे मिलने के लिए कितने बेताब हो और यही सोच तुम्हें ध्यान लगाने में मदद करेगी। स्कॉट जब ऐसा करता है तो चींटियों कंट्रोल करना सीख जाता है। हैंक भी अब होप को उसकी माँ की मौत की असली वजह बताते हैं कि एक बार तुम्हारी माँ ने मिशन पर आने की जिद की थी इसलिए मैं उसे अपने साथ ले गया और उस वक्त सन 1987 में अलगाववादियों ने अमेरिका पर एक परमाणु मिसाइल छोड़ा था, इसीलिए मुझे तुम्हारी माँ के साथ मिलकर उसे किसी भी तरह रोकना था। लेकिन वो मिसाइल चारों तरफ से सॉलिड टाइटेनियम से बना हुआ
रहा था, इसीलिए उसके अंदर घुसने के लिए मुझे सब एटॉमिक होकर अणुओं के बीच जाना होगा। लेकिन मेरा रेगुलेटर खराब हो चुका था, इसीलिए तुम्हारी माँ ने बिना एक पल गवाए रेगुलेटर दबाकर अणुओं के बीच चली गई, जिससे वो मिसाइल तो बर्बाद हो गया लेकिन तुम्हारी माँ गायब हो गई, क्योंकि वो क्वांटम फील्ड में चली गई थी। इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से अलग किया और क्वांटम दायरे के बारे में सब कुछ सीखा ताकि मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकूं, मगर मैं नाकामयाब रहा। वो भी अपने डेड से कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, माँ ने खुद ये फैसला किया था। और अब उन दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। स्कॉट भी इससे खुश होता है और अब वो धीरे धीरे सभी चीजें सीख लेता है। वो अपनी उड़ने वाली सवारी चींटी का नाम एंथनी रखता है। हैंग सूट में हथियार न होने की वजह से दो खास तरह की रिंग बनाते हैं, जिन्हें चीजों पर मारने से चीजें छोटी या बड़ी हो सकती थी। रेड रिंग से चीजें छोटी होती है और ब्लू रिंग से चीजें बड़ी हो सकती थी। अब वो स्कॉट को येलो जैकेट चुरा कर सारे डेटा को खत्म करने का प्लान बताते हैं, जिसके लिए वो क्रेजी चींटियों पर इलेक्ट्रिक डिवाइस भी फिट कर देते हैं, जिससे स्कॉट की चींटियों की सेना तैयार हो जाती है। अब हैंग स्कॉट को एक मिशन पर भेजते हैं ताकि वो एक खास संकेत यंत्र को चुरा पाए, जिन्हें उन्होंने शील्ड के दिनों में बनाया था, जिसकी मदद से वो डेरेन की हाईटेक सिक्योरिटी को तोड़ सकते हैं। मगर वो डिवाइस हावर्ड स्टार्क के न्यूयॉर्क के गोदाम में रखी हुई थी। स्कॉट अपनी चींटियों के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह देखकर बहुत डर जाता है कि वहाँ गोदाम की जगह एवेंजर्स का हेडक्वार्टर बन चुका है। हैंग भी इससे परेशान हो जाते हैं और उसे वापस आने को कहते हैं, मगर स्कॉट उन्हें कहता है कि अब मैं आया हूँ तो कुछ लूट कर तो जरूर जाऊंगा। ये कहकर वो छत पर कूद जाता है, लेकिन तभी वहाँ फाल्कन आ जाता है, जो अपने एडवांस ग्लासेस की मदद से उसे देख पा रहा था। स्कॉट अपने नॉर्मल रूप में आकर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरा नाम एंटमैन है। तो फाल्कन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। एंटमैन बताता है कि मैं मार्केट में नया आया हूँ और मुझे दुनिया को बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसे मैं कुछ ही दिन में लौटा दूंगा। लेकिन फाल्कन उसकी बात नहीं सुनता और उसे पकड़ने लगता है, लेकिन स्कॉट अपना साइज छोटा करके फाल्कन से लड़ने लग जाता है। उनके बीच कमाल की फाइट होती है। स्कॉट मौका पाकर गोदाम में जाकर वो डिवाइस हासिल कर लेता है, मगर फाल्कन उसके पीछे आता है, लेकिन स्कॉट उसके सूट में घुसकर उसे खराब कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। इससे फाल्कन की बहुत इंसल्ट होती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस बारे में कैप्टन को कुछ नहीं बताएगा। स्कॉट हैंग को वो डिवाइस देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं। अब स्कॉट अपने दोस्त लुइस और उसके दो दोस्तों को भी मदद के लिए बुला लेता है, जिन्हें वो सिक्योरिटी गार्ड बनाते हैं ताकि वो पानी का प्रेशर कम कर सके और स्कॉट अंदर घुस जाए। स्कॉट अपने दोस्तों को एंटमैन में बनकर दिखाता है और जब वो अपना साइज छोटा करता है तो काफी डर जाते हैं और अब वो अपने काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले लुइस नकली सिक्योरिटी गार्ड बनकर अंदर घुस जाता है और पानी का प्रेशर कम कर देता है, जिससे स्कॉट क्रेजी चींटियों की मदद से पुल बनाते हुए पिम टेक के सर्वर की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं पिम और होप को डेरेन येलो जैकेट वाली फ्यूचर लैब में लेकर जाता है ताकि उन्हें अपनी कामयाबी दिखा सके कि वो हैंग के बिना भी कितना कामयाब बन गया है, जबकि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। वहीं मिशेल भी वो येलो जैकेट खरीदने के लिए पहुंच जाता है। डेरेन हैंग को कहता है कि आपने मुझसे जो टेक्नोलॉजी छिपाई थी, अब मैं उन्हें इन हाइड्रा के लोगों को भेज दूंगा। इससे हैंग को गुस्सा आता है और वो डेरेन को जोरदार मुक्का मारते हैं। वहीं स्कॉट अपनी क्रेजी चींटियों को सर्वर पर ले जाता है और उन सभी पर लगे इलेक्ट्रिक गैजेट की मदद से वो पिमटेक के सारे सर्वर डेटा को उड़ा देता है। और अब वो एंथनी पर बैठकर पार्टिकल चेंबर में पहुंच जाता है, जहां वो बहुत सारे बॉम्ब लगा देता है ताकि वो सूट को हासिल करने के बाद पूरी कंपनी को ही उड़ा दे। अब स्कॉट रस्सी से होते हुए येलो जैकेट के सेल में पहुंच जाता है, लेकिन डेरेन उसे पकड़ लेता है, क्योंकि डेरेन को उनका प्लान पहले से ही पता था और वो जानता था कि हैंग ने स्कॉट को ही नया एंटमैन बनाया होगा, क्योंकि स्कॉट ने भी हैंग की तरह ही काम किए थे। और अब वो येलो सूट को अपने सूटकेस में रख लेता है। हैंग डेरेन को समझाते हैं कि अगर तुमने ये सूट इन गलत लोगों को बेचा तो हर जगह तबाही मच जाएगी, मगर डेरेन उन्हें कहता है कि मैं पहले ही ये सूट इन्हें बेच चुका हूँ और उन्हें मारने लगता है। लेकिन स्कॉट अपने पास रखी रिंग की मदद से उस सेल को बढ़ा करके वहाँ से निकल जाता है और वो एक एक करके सभी गार्ड को मारने लगता है, मगर डेरेन हैंग के कंधे पर गोली मार देता है, जिससे वो दुखी होती है और हैंग की हालत खराब होने लगती है। डेरेन स्कॉट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चींटियों से उस पर हमला करवा देती है, जिससे वो सूटकेस लेकर निकल जाता है और मिशेल भी पिम सीरम हासिल कर लेता है। डेरेन हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकलने लगता है। होप स्कॉट से कहती है कि तुम्हें डेरेन से वो सूट छीन
करना होगा। और अब वो गार्ड को मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है। लुईस भी उसकी मदद करता है। स्कोर छत पर डेरेन की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं लुईस अब कंपनी में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकालने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कंपनी में लगाए गए बॉम्ब की वजह से थोड़ी देर में कंपनी खत्म हो जाएगी। हैंक भी अपने पास रखा टैंक निकालते हैं, जिसे उन्होंने छोटा किया हुआ था, और उसकी मदद से बचकर बाहर आ जाते हैं। वहीं डेरेन हेलीकॉप्टर में शेरन के साथ जाने लगता है, लेकिन स्कॉट उसे रोकने आ जाता है, तो डेरेन उस पर शूट करने लगता है, जिससे स्कॉट की सवारी चींटी एंथनी मारी जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डेरेन पर हमला करने लगता है। अब बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे पूरी पिमटेक कंपनी गायब हो जाती है। इससे डेरेन को बहुत दुख होता है। स्कॉट भी डेरेन के सभी गार्ड को मारने लगता है, लेकिन डेरेन अब अपना बनाया हुआ सूट पहन लेता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें लेजर लगी हुई थी। और अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान वो एक सूटकेस में बंद हो जाते हैं और नीचे स्विमिंग पूल में जाकर गिरते हैं। डेरेन वहाँ लोगों पर हमला करने लगता है, तो स्कॉट उसे रोकता है और एक रैकेट से उस पर हमला करता है, जिससे एक मॉस्किटो किलर में फंस जाता है। मगर तभी वहाँ जिम अपने साथी ऑफिसर गेल के साथ आ जाता है, जो स्कॉट के जेल से भागने की वजह से उसे ढूंढ रहा था। स्कॉट उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। वहीं डेरेन अभी भी जिंदा होता है, जो स्कॉट से बदला लेने के लिए उसकी बेटी केसी को अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं जिम को भी इस बात की खबर मिल जाती है, और वो स्कॉट को पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय अपने घर लेकर जाते हैं। स्कॉट उन्हें कहता है कि मुझे केसी को बचाना है, लेकिन वो नहीं सुनता, तो स्कॉट अपना सूट पहनकर डेरेन के पास पहुंच जाता है और उसे छोटा करके केसी को बचा लेता है। अब उन दोनों के बीच बहुत ही कमाल की फाइट होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे खिलौनों से लड़ रहे होते हैं। स्कॉट अपनी चीटों की मदद लेता है और डेरेन पर हमला करने लग जाता है, साथ ही अपनी रिंग से भी उस पर हमला करता है, लेकिन वो रिंग एक चीटी को लग जाती है, जिससे वो बहुत बड़ी हो जाती है। साथ ही एक टॉय ट्रेन भी बड़ी हो जाती है, जिससे सभी ऑफिसर हैरान होते हैं। तभी जिम भी वहाँ केसी को बचाने आ जाता है। ये देखकर डेरेन जिम और केसी को मारने लगता है। इसको डेरेन के सूट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छेद काफी बारीक थे, इसीलिए स्कॉट को सब एटोमिक होकर सूट के अंदर जाना पड़ता है, जिससे वो डेरेन के सूट को बर्बाद करके उसे खत्म कर देता है। लेकिन इससे एंटमैन भी क्वांटम दायरे में चले जाते हैं। केसी अपने डेड को आवाज लगाती है, जिससे सब एटोमिक होने के बाद भी स्कॉट को आवाज सुनाई देती है, और उसके वापस आने की चाह में वो रेगुलेटर के साथ छेड़खानी करके उसमें बड़ी होने वाली रिंग डाल देते हैं, जिससे वो वापस आ जाता है। ये देखकर केसी खुश होती है, और अब एंटमैन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैंक स्कॉट से पूछते हैं कि तुम सब एटोमिक होने के बाद भी वापस कैसे आए, लेकिन स्कॉट को क्वांटम फील्ड में जाने की वजह से कुछ याद नहीं होता। हैंक उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, और अब होप स्कॉट को बाहर छोड़ने जाती है, लेकिन अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए एक दूसरे को किस करते हैं। हैंक भी ये सब देख लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब कब हुआ, लेकिन स्कॉट वहाँ से चला जाता है। और अब वो जिम के घर में डिनर करने जाता है, क्योंकि जिम ने उसे माफ कर दिया था, और जिम उसे बताता है कि मैंने सीनियर ऑफिसर को बताया कि तुम जेल से भागे नहीं थे, बल्कि कैमरा खराब हो गया था और मैंने तुम्हें रिहा कर दिया था। स्कॉट इससे खुश होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि केसी ने रिंग की वजह से बड़ी हुई चीटी को अपना पेट बना लिया होता है, और उसे खाना खिला रही थी। स्कॉट को तभी अपने दोस्त लुईस का कॉल आता है, और उसके पास चला जाता है, जहाँ लुईस उसे बताता है कि मुझे मेरे चचेरे कजन ने बताया है कि विल्सन यानी फाल्कन उसे ढूंढ रहा है। स्कॉट इससे परेशान होता है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि हैंक होप को सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ उसे बताते हैं कि मैं और तुम्हारी माँ जेनेट मिलकर एक एडवांस सूट पर काम कर रहे थे, लेकिन जेनेट इस सूट को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाई, मगर मैं अब समझ चुका हूँ कि शायद ये सूट हम तुम्हारे लिए बना रहे थे, इसीलिए अब हमें इस सूट को पूरा बनाना होगा। होप इससे खुश होती है। वहीं फिर हमें दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बर्लिन में स्टीव रोजर्स और विल्सन ने बकी को ढूंढ निकाला था, मगर वो सुकोविया समझौते की वजह से टोनी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए विल्सन स्टीव को बताता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, और वो एंटमैन की बात कर रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।